विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में शुमार तुंगनाथ मंदिर का शिखर जल्द ही नए स्वरूप में नजर आने वाला है। मंदिर के शिखर पर स्थित छतरी के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू कर दिया गया है। मंदिर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पंच केदारों में तृतीय केदार है, जहां पर गबान शिव के बाहु और दय भाग की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि तुंगनाथ मंदिर की छतरी काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी थी। वर्षों से यहाँ के स्थानीय जनता एवं तीर्थ यात्रियों द्वारा इसके सुधारीकरण की आवाजें उठाई जा रही थी। इससे पहले किसी ने भी इस दिशा में प्रयास नहीं किए हैं। मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति यानी कि BKTC द्वारा भी तुंगनाथ मंदिर के जीर्ण शीर्ण छतरी का जीर्णोद्धार कार्य विधि विधान पूजा अर्चना के पश्चात रविवार से शुरू हो गया है। स्थानीय जनता की बरसों पहले की मांग पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का पदभार संभालते ही अजेंद्र अजय ने मंदिर जीर्णोद्धार की पहल शुरू की है। और पौराणिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है और इसके जो शीर्ष पर स्थापित छतरी है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी और स्थानीय जनता, क्षेत्रीय जनता, श्रद्धालु जनों द्वारा लंबे समय से इसकी छतरी का पुनर्निर्माण किए जाने की मांग की जा रही थी। गत दिनों हमने इस संदर्भ में टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की थी। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इसका जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्द छतरी का पुनर्निर्माण करके उसको शीर्ष पर स्थापित कर दिया जाए। इसके साथ ही जो ये सभा मंडप है मंदिर का, उसके कुछ जो पत्थर है उनमें कुछ गैप आ गया था, तो उसके लिए हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग को पत्र लिख करके उसको अध्ययन करने के लिए कहा है, ताकि हम उसका उनके तकनीकी मार्गदर्शन में हम इसका जीर्णोद्धार का कार्य भी संपन्न करा सकें।